हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग को चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, ऑलरेडी हमने पिछले हफ्ते में तीन चार स्टॉक्स का वीडियो पोस्ट किया था। आप देख सकते हैं इंडसइंड बैंक लिमिटेड का, तो इसमें भी अच्छा खासा गेन हो चुका है। IEX ऑलरेडी बोनस, एक शेयर का बदले में दो बोनस शेयर का एक्स डेट भी हो गया। तो हमारा HDFC सिक्योरिटीज़ का पोर्टफोलियो में ऑलरेडी ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। बट रिकॉर्ड डेट आपको रहेगा, मंडे का रिकॉर्ड डेट रहेगा आपको। और आंध्र शुगर्स का ऑलरेडी हमने पोस्ट किया है, तो थर्ड वीडियो हम पोस्ट करेंगे आपको, फॉलो अप वीडियो। तो ये वीडियो है BPCL का। हमारे चैनल में हम जो भी वीडियो पोस्ट करते रहते हैं, आपको फॉलो अप वीडियोस भी पोस्ट करते हैं। तो जब भी हम बाई करेंगे, सेल करेंगे, तभी आपको अपडेट्स देते रहते हैं। तो आप इधर देख सकते हैं BPCL का, हमने 2 हफ्ते का पहले भी वीडियो पोस्ट किया था। तो आज आपको लेटेस्ट अपडेट्स लेके आए, तो वीडियो में जाके देख लेते हैं। तो दोस्तों, अभी मार्केट प्राइस है 385 BPCL का। आप क्रूड प्राइस का वजह से कुछ गिरावट आ गया था, ये 378 तक भी गया था। तभी हमने वीडियो पोस्ट नहीं किया, क्योंकि हम इसमें थोड़ा ट्रेंड रिवर्सल के लिए वेट कर रहे थे। तो अभी जस्ट टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको रिवर्सल का डायरेक्शन बता रहे हैं, तो इसके लिए हमने आपके लिए वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। तो आप इधर देख सकते हैं, जो फोरकास्ट आपको 76% का फोरकास्ट है नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक। तो इसका बारे में डिटेल में आगे जाके देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम सबसे लास्ट में फोरकास्ट देख लेते हैं, अगर आपने हमारा पहले का वीडियो भी देख लिया है तो आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन रहेगा। ये टिकर टेप का एनालिस्ट का हमने रेटिंग इधर लिया है। आउट ऑफ 34 एनालिस्ट, 94% बाइंग का रेट, बाइंग के लिए रिकमेंड कर रहा है। तो इनका सारा चेकलिस्ट अभी ग्रीन में बता रहे हैं। तो अभी ये बेसलाइन 385 का प्राइस है, ये 378 में था, तो हम जस्ट वेट किया। अभी 385 है। अगर इनका हाई आप देख सकते हैं, 76% का रिटर्न दे सकते हैं, 680। अगर मीडियम भी पकड़ते तो हमको 550, और लो बोलेगा तो भी 454। मतलब हमको ये पॉइंट से गेन 100% है। तो ये लोग बोल रहे करके नहीं है, ये स्टॉक का आप डिटेल में जाके देखते हैं तो आपको पता चलता है। तो आप ये अगर अब तक आपने एंट्री नहीं लिया, तो ये पॉइंट में लिएगा तो भी आपको कम से कम मिनिमम 15% का रिटर्न तो जल्दी मिल जाता है। तो अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, तो 40% को पक्का हमको ये 40-50% का रिटर्न्स दे सकता है। अभी इसके अलावा हमने मनी कंट्रोल को वेबसाइट में आप जाके देख सकते हैं, ब्रोकर रिसर्च। तो 2 नवंबर तक इन्होंने बाइंग रिकमेंडेशन दिया, उसका बाद में कुछ करेक्शंस था, बाद में कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं अक्टूबर महीने में, अगस्त अगस्त में दिया इन्होंने 520 का टारगेट, 520 520। उसका बाद में आगे अक्टूबर में मोतीलाल ओसवाल का इन्होंने 605 का टारगेट दिया। तो अगर आपको देखना चाहते हैं, तो आप मनी कंट्रोल का वेबसाइट में जाके इन्होंने जो PDF दिया है, ये खोल के आप उनका ब्रोकर रिसर्च का डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। हम जस्ट इनका प्राइस टारगेट लिया, तो मिनिमम प्राइस टारगेट हमको 520 मिल रहा है। मतलब इधर से आपको 15-20% तो ऐसा ही मिलना है। तो आगे देखते हैं, ये ऑलरेडी हमने पहले का वीडियो में बोला हुआ है। तो अगर आप देखना चाहते हैं इसका बारे में ज़्यादा डिटेल्स, आप हमारे 8 अपडेट्स में जाके देख सकते हैं। हम आई बटन में आपको लिंक देते हैं, तो ये सारा चीज़ हम इधर रिपीट नहीं करते। जस्ट एक चीज़ बोलना चाहते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम ये BPCL का वीडियो देख रहे हैं, तो 83,000 करोड़ का लार्ज कैप का ये कंपनी है, और प्रमोटर्स होल्डिंग में कुछ प्लेज्ड शेयर्स नहीं है। तो हमको सेफ साइड है इसका फंडामेंटल्स। तो हम लोग 52 वीक्स का लो देखेंगे तो 357 है। तो अभी का प्राइस ऑलमोस्ट 385, मतलब 52 वीक्स का लो में बहुत सस्ते में हमको मिल रहा है। नेट प्रॉफिट भी हमने, आप देख सकते हैं, अगर आपको चाहते हैं तो हम लोग पास करके आप देख लीजिए। हम पहले का वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बता चुका है। तो ये क्वार्टरली प्रॉफिट है, डिविडेंड रिटर्न्स भी अच्छा खासा डिविडेंड रिटर्न्स देता है ये कंपनी। और स्टॉक स्प्लिट अभी लास्ट 2017 में हो गया, उसका बाद में सॉरी स्प्लिट नहीं है, बोनस नहीं आया अभी तक, बट अच्छा खासा डिविडेंड तो कंटिन्यूस दे रहा है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देख लेते हैं। प्राइस एंड वॉल्यूम एनालिसिस आप देख सकते हैं, 1 महीने का अगर प्राइस देखते हैं तो -7% सस्ते में मिल रहा है। 3 महीने का प्राइस भी पकड़ेंगे तो आप 21% सस्ते में ये स्टॉक हमको मिल रहा है। मतलब बहुत अच्छा प्राइस में ये मिल रहा है अभी। तो वॉल्यूम एनालिसिस देखते हैं, 94 लाख शेयर्स आज का दिन में ट्रेड हो गया। तो आउट ऑफ 94 लाख 38% का डिलीवरी उठाया जा रहा है।
तो कल के दिन में 68 लाख था, और 1 वीक का एवरेज 82 लाख, और 1 मंथ का एवरेज 52 लाख्स है। तो ऑलमोस्ट 50% डिलीवरी इसमें उठाया जा रहा है। टेक्निकल इंडिकेटर्स देख लेते हैं। बोलिंजर बैंड आप देख सकते हैं, ये बैंड नीचे का तरफ ही टच करके जा रहा था, जैसा डिविडेंड मिला उसका बाद में इसमें बहुत गिरावट था। आप देख सकते हैं बैंड कट करके ये नीचे की तरफ गया, फिर रिकवरी दिखाया, फिर भी नीचे गया, फिर अभी थोड़ा रिकवरी आ गया। शायद इसका बाद में इसमें और नीचे जाने का चांसेस ही बहुत ही कम है, क्योंकि आप RSI देख सकते हैं, ये 40 के नीचे हम लोग कंसिडर करेगा इसको ओवरसोल्ड करके। तो अभी ये 30 से भी नीचे जाके हाईली ओवरसोल्ड जोन में है, इधर से थोड़ा रिवर्सल ये दिखा रहे हैं। तो इधर से हमको थोड़ा रिकवरी आना है। अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइजेस का कुछ स्टेबिलिटी आता है तो इसका बाद में पॉजिटिव, बट हमको एंट्री लेके ए प्राइस में एंट्री लेने के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। सुपर ट्रेंड देख लेते हैं। ट्रेंड लाइन हमको 400 406 का उधर है, तो ट्रेंड लाइन से बहुत ही नीचे आप इधर देख सकते हैं। इसमें डिविडेंड का बाद में कंटिन्यूस सेलिंग हो गया, उसका बाद में अभी ये ग्रीन कैंडल थोड़ा रिकवरी हमको दिख रहा है ये डे का कैंडल से। MACD भी आप देख सकते हैं, ये कट करके नीचे का तरफ गया था, इधर रिकवर हो गया। तो नॉर्मली हम अपडेट्स में क्या देते हैं आपको, ये पॉइंट में नॉर्मली सेल करने को हम आपको एडवाइस देते हैं, और ये पॉइंट में बाई करने के लिए। तो BPCL का तो हमने लगातार वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, ये तो आपको 9th वीडियो रहेगा। तो जब भी डिविडेंड आया हम इसमें लॉन्ग टर्म पोजीशन बना के रखा है, और ऐड एंड डिप्स करते रहते। तो अभी हमने फिर से ऐड किया ये सस्ता प्राइस में, इसके लिए आपके लिए वीडियो अपडेट दिया हुआ है। दोस्तों आप निवेश करने का पहले आपको क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके निवेश कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया तो सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।